क्या आपको ना कहने में हिचकिचाहट होती है? क्या आप हमेशा दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करने में खुद की ज़रूरतों को भूल जाते हैं? अगर ऐसा है तो आपको ना कहने की आदत डालनी ही होगी, और यहाँ पर आप सीख पाएंगे कि ना कहने का पावर कितना है। ना कहने के बहुत से फ़ायदे हैं। आप दूसरों को ना कहकर खुद पर ध्यान दे सकते हैं। आप बुरे रिश्तों को ना कहकर अच्छे रिश्तों के लिए जगह बना सकते हैं। ना कहने से आपकी सेहत भी अच्छी बनी रहती है, और जब आप कई चीज़ों को ना कहना सीख जाओगे तो आपके लिए खुद को हाँ कहना आसान हो जाएगा। इस किताब की मदद से आप इन सभी बातों के बारे में जान पाएंगे और सीखेंगे कि एक छोटे से शब्द में कितनी ताकत होती है, और आप सीखेंगे कि कैसे हम बुरे रिश्तों को ना कहकर अच्छे रिश्ते बना सकते हैं। ना कहना किस तरह से हमारी ज़िंदगी में शांति और सुकून ला सकता है, किस तरह हर चीज़ के लिए शुक्रगुजार होकर खुशी पा सकते हैं। बुरे रिश्तों को ना कहकर आप अच्छे रिश्तों के लिए जगह बना सकते हैं। क्या आप कभी कभी कुछ ऐसे काम करते हैं जो आपको अंदर से मार रहे होते हैं? क्या आप ऐसे लोगों के साथ रह रहे हैं जिनके साथ आप नहीं रहना चाहते? अगर हाँ, तो अब वक्त आ चुका है इन्हें ना कहने का। अगर आप अपनी ज़िंदगी के फ़ैसलों को सोच समझ कर लीजिए। आप उन लोगों से दूर रहिए जो आपकी एनर्जी या खुशी को कम या ख़त्म करते हैं। अगर कोई आपके दुखी होने की वजह बनता है तो आप उसे छोड़ दीजिए। बुरे रिश्तों को पहचानने के लिए आप ये काम कर सकते हैं। आप उन सभी लोगों की लिस्ट बनाइए जिनके साथ आप अपना कीमती समय बिताते हैं। अब आप सभी लोगों को 1 से 10 के बीच में नंबर दीजिए। अगर किसी खास व्यक्ति के साथ समय बिताना आपको बहुत अच्छा लगता है तो आप उसे 8 से ज़्यादा नंबर दीजिए, और अगर किसी व्यक्ति से आपको नफरत है उसे 5 से कम नंबर दीजिए। अब आप उन लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताइए जिन्हें आपने 8 से ज़्यादा नंबर दिए हैं, और उनका साथ बिल्कुल छोड़ दीजिए जिन्हें आपने 5 से कम नंबर दिए हैं। बचे हुए लोगों के साथ आप थोड़ा बहुत समय बिताइए। इस तरह से आप बुरे रिश्तों को ना कहकर अच्छे रिश्तों के लिए जगह बना सकते हैं। रिश्ते इसलिए होते हैं कि हम दुखी होने पर उनके कंधों पर सर रख सकें, लेकिन अगर वही रिश्ते आपके दुखी होने की वजह बन जाएं तो उन्हें छोड़ देना ही बेहतर है। अगर आपको कोई काम अच्छा नहीं लगता तो उसे मत कीजिए। अगर आप हमेशा दूसरों की ज़रूरतों के बारे में सोचेंगे और उनके काम करेंगे तो आप अपनी ज़रूरतों का ख्याल नहीं रख पाएंगे। इसलिए बेहतर है कि आप उस काम को ना कह दीजिए जिसे आप नहीं करना चाहते हैं। आप इस दुनिया में सबसे अनोखे हैं। आपके जैसे अंगूठे के निशान वाला कोई दूसरा पैदा नहीं हुआ है। अगर आप जेफ़ बेजोस नहीं बन सकते तो जेफ़ बेजोस भी आप नहीं बन सकता। इसलिए आपको पूरा हक है कि आप अपने फ़ैसले खुद लें और वो काम ना करें जिसे आप नहीं करना चाहते। अगर आप बिना मन से कोई काम करते हैं तो वह आपके लिए दुख का कारण बन सकता है। ऐसे में यही बेहतर होगा कि आप उस काम को मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके ना कहने से सामने वाले को तकलीफ़ होगी तो आप कुछ इस तरह से सोचिए। मान लीजिए आपको किसी की मदद की ज़रूरत हो लेकिन वो आपकी मदद ना करना चाहता हो। क्या आपको अच्छा लगेगा कि कोई आपका काम बेमन से करे? नहीं, बल्कि आपको लगेगा कि आप उसके लिए एक बोझ बन गए हैं। साथ ही आपको यह भी लग सकता है कि वो व्यक्ति आपसे नाराज़ हो गया है क्योंकि आप उसे अपना काम करवा रहे हैं। अब जब आपने औरों को ना कह दिया है तो वक्त आ गया है कि आप अपने बारे में सोचें। अगर आप ये फ़ैसला नहीं कर पा रहे हैं तो आपको क्या करना है कि आप एक लाइब्रेरी में जाइए और अलग अलग तरह की किताबें पढ़िए। आप वो किताबें पढ़िए जिसमें आपकी रुचि हो। ऐसा करके आप अपने रास्ते खुद ढूंढ लेंगे। आप अपना ध्यान हमेशा अच्छी चीज़ों पर ही लगाइए और बाकी सभी चीज़ों को ना कह दीजिए। आप ना कहकर अपने हाँ कहने की क्षमता बढ़ा सकते हैं। अब तक हमने देखा कि किस तरह हम अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी बातों को ना कहकर खुशी पा सकते हैं। इस